अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको बनाना सिखाऊंगी दो मस्ट हाइप कॉफ़ी रेसिपीज़। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डलगोना। इसमें हम लोग लेंगे कॉफ़ी, इक्वल प्रोपोर्शन हम लोग लेंगे कॉफ़ी की भी और शुगर की भी। और इसको हम डिज़ोल्व करने के लिए वार्म वाटर लेंगे 2 टीस्पून, और उसको हम लोग मिक्स कर देंगे लाइट सा। उसके बाद हैंड ब्लेंडर से हम लोग इसको अच्छा सा बीट करेंगे। बहुत अच्छा बीट करना है कि इसके इस तरह से सॉफ्ट पीक्स डेवलप हो जाएं या सॉफ्ट पीक्स फॉर्म हो जाएं। उसके बाद हम लोग एक मग लेंगे, उसमें हम डालेंगे आइस और उसमें ऐड करेंगे हम लोग मिल्क। इसके बाद फिर हम लोग लेंगे इसमें कॉफ़ी। अब क्वांटिटी जो कॉफ़ी की है वो आपकी मर्ज़ी, जितनी आप लोग डालना चाहते हैं उतनी आप लोग ऐड करें। मैं थोड़ी सी ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ी सी कम पसंद है तो इससे कम क्वांटिटी ले लें। जी हाँ जी, तो ये रेडी है हमारी मच हाइप्ड डलगोना कॉफ़ी। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है। इस मौसम में इस कॉफ़ी का, चिल्ड कॉफ़ी का अपना ही मज़ा है। अब लास्ट में मैं इसको स्प्रिंकल करूँगी थोड़ी सी कॉफ़ी के साथ। जी हाँ जी, तो ये रेडी है हमारी कॉफ़ी। आप सबने भी ज़रूर ट्राई करनी है। जी तो ये सेकंड रेसिपी जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ ये है आइस्ड कॉफ़ी की रेसिपी। सेम इंग्रेडिएंट्स इसमें भी यूज़ होंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे कॉफ़ी। यहाँ हम लोग ले रहे हैं 2 टेबलस्पून कॉफ़ी के, ठीक है। क्वांटिटी जो है आपने अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करनी है, जितने मेंबर्स हैं उतनी क्वांटिटी आप लोग रखें। बस याद रखिएगा कि इक्वल प्रोपोर्शन हो। लाइक अगर 2 टेबलस्पून कॉफ़ी है तो 2 टेबलस्पून ही शुगर होगी। शुगर अगर आप लोगों ने नहीं यूज़ करनी तो आप लोग इसमें स्टीविया भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें वार्म वाटर लिया थोड़ा सा, और इसको किसी भी चीज़ की हेल्प से थोड़ा सा मिक्स कर लें। इतना मिक्स करें कि इस तरह से लाइट बबल्स इसके बन जाएं। दैट्स इट, बस हमने इतना ही इसको मिक्स करना है। बीटर वगैरह की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग एक ग्लास लेंगे, उसमें हम लोग आइस ऐड करेंगे। आइस से इस ग्लास को फुल कर देंगे, और फिर जितनी जगह बाकी होगी उसमें हम लोग डालेंगे मिल्क। या आप लोग देख लें कि मिल्क इसमें थोड़ा सा कम ही यूज़ होता है, आइस ज़्यादा यूज़ होती है। और ये काफ़ी हाइप्ड कॉफ़ी है। आप लोगों ने आजकल देखा होगा हर दूसरी ब्लॉगर अपनी मॉर्निंग स्टोरीज़ जो है वो आइस कॉफ़ी के साथ ही स्टार्ट लेती हैं अपनी स्टोरीज़ का। और आप लोग भी इन सनी डेज़ में आइस कॉफ़ी को इंजॉय करें। बहुत, यकीन करें, बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत ही ईजी रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है। फिर हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें अपनी बीट की हुई कॉफ़ी। इसको भी आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करें। ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम लेना है तो इसको रख दें, बाद में भी यूज़ हो जाती है, फ्रिज में रख दें। और अच्छा सा मिक्स करें, और मुझे आप लोगों ने इसकी फ़ीडबैक ज़रूर देनी है। ट्राई आप सबने करना है, मुझे फ़ीडबैक देनी है। और पसंद आए तो मेरे पेज को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।